उनकी पिगमेंटेशन इसे चुटकियों से खत्म हो गई है। ये मैंने मरियम परवेज जो एक फेमस यूट्यूबर है उनसे इंस्पायर्ड होकर यूज किया है। क्रीम लगाकर जब आप चूल्हे के सामने चले जाते हैं तो ये भी पिगमेंटेशन होने की बहुत बड़ी वजह होती है। आपके फेस पे जितना भी मैल कुचैल होगा उसको खींच के बाहर निकाल लेगा। हेलो ब्यूटीफुल, दिस इज मी जामुन स्टॉक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। दिन का आगाज हो चुका है और कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि पिगमेंटेशन के मुतालिक बता दें, तो आज मैं आपको बताऊंगी पिगमेंटेशन को किस तरह से खत्म करना है। ये मैंने मरियम परवेज जो एक फेमस यूट्यूबर है उनसे इंस्पायर्ड होकर यूज किया है। मैंने खुद भी यूज किया और अपनी मामा को भी यूज कराया क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी, तो उनकी पिगमेंटेशन इसे चुटकियों से खत्म हो गई है। सिर्फ 7 डेज के लिए आपने यूज करना है, तो टाइम को जाया किए बिना हम जल्दी से अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं, आ जाए। पिगमेंटेशन रिमूवल पैक बनाने के लिए आपको इस तरह से हाफ टमाटर चाहिए, साथ में आपको कचूर पाउडर चाहिए। कचूर पाउडर की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सफेद हल्दी होती है, किसी भी पंसार से आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ में आपको राइस फ्लोर चाहिए और इस तरह से कच्चा दूध चाहिए। अब बारी आती है जी पिगमेंटेशन पैक को तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले मैं इस टमाटर को ग्राइंड करके लाती हूँ और आ जाए किचन में चलते हैं। अब आपने इस हाफ टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही ओखे तरीके से ग्राइंड करके मैंने ये टमाटर का जो पल्प है ना वो हासिल कर लिया। पिगमेंटेशन रिमूवल पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 1/2 स्पून ये कचूर पाउडर, 1/2 स्पून मैं लूंगी राइस फ्लोर और इसमें इतना सा मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैं इसमें जरूरत के हिसाब से कच्चा दूध ऐड कर दूंगी इस तरह से। दूध इसमें मैंने ऐड कर दिए और अब जो पत्ते की बात मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा उसके आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऐड करेंगे और अगर आपकी स्किन मेरी तरह से सेंसिटिव है तब आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, वरना आपकी स्किन पे रैशेज हो जाएंगे और आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। इस बात पे आपने लाजमी अमल करना है और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पैक को हम साइड पे रख देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है क्लिंजिंग। आपने इस तरह से कॉटन बॉल्स लेनी है और ये मिल्क लेना है, इससे आपने अपने फेस पे अच्छे से क्लिंजिंग कर लेनी है। ये बहुत ही जबरदस्त क्लिंजर है, आपके फेस पे जितना भी मैल कुचैल होगा उसको खींच के बाहर निकाल लेगा। दिखने में वो मैल कुचैल आपको नजर नहीं आएगा लेकिन अभी दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से मेरे फेस से इसने डर्ट निकाला है। ये देखें, समझ रहे हो? अपने मिल्क को इसी तरह से लगे रहने देना है और अब हम अपने जो पैक बनाया था इसको यूज करेंगे। आपने इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करना है। कचूर पाउडर का भी मैंने आपको बता दिया है कि कचूर पाउडर यानी सफेद हल्दी किसी भी पंसार से आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने आपको बता दिया है कि आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर मेरी तरह सेंसिटिव स्किन है तो यूज नहीं करना। अब हम आ जाते हैं कि ये पिगमेंटेशन होती क्यों है। पिगमेंटेशन इसलिए होती है कि आप जो रंग बिरंगी क्रीमें यूज करते रहते हैं, आज किसी के कहने पे ये क्रीम इस्तेमाल कर ली, कल हमने वो क्रीम यूज कर ली, तो इस तरह से रंग बिरंगी क्रीमों पे जब आप स्विच करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं, तब जाके आपके पिगमेंटेशन हो जाती है। और इसकी दूसरी वजह, क्रीम लगाकर आप धूप में निकल जाते हैं या क्रीम लगाकर जब आप चूल्हे के सामने चले जाते हैं तो ये भी पिगमेंटेशन होने की बहुत बड़ी वजह होती है, तो इन चीजों से आप अवॉइड करें, आपकी पिगमेंटेशन कभी नहीं होगी। इस पैक को आपने इस्तेमाल कितना करना है, 7 डेज के लिए आपने इसे मुसलसल यूज करना है और फिर 2 से 3 दिन का गैप देके आपने इसको इस्तेमाल करते रहना है। आपकी पिगमेंटेशन जो जड़ों के अंदर होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपने इस पैक को 20 से 25 मिनट के लिए लगे रहने देना और फिर आपने वॉश करना है। वॉश करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। A few minutes later. 20 minutes मेरे हो गए और ये ड्राई भी हो गया, जो बच गया था मैंने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया। इसको वॉश करने का तरीका बताती हूँ। आपने डायरेक्ट वाटर से इसे वॉश नहीं करने, इस तरह से रोज वाटर लेने, इसका आप अपने फेस पे स्प्रे करें और नरम हाथों के साथ आपने मसाज करके वॉश करना है। अगर आप डायरेक्ट वाटर के साथ वॉश कर लेंगे तो आपके फेस पे रैशेज हो जाएंगे, आपके फेस पे रेडनेस आ जाएगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और जल्दी से अब मैं वॉश करके आती हूँ और फिर हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। A few moments later. चलें जी, ये मैंने वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे कोई भी रेडनेस नहीं है, कोई भी रैशेज नहीं है। और जल्दी से हम ये टिश्यू लेते हैं, ये इस तरह से आपने अच्छे से ड्राई कर लेने, बहुत ही अच्छी स्किन कर दी है इसने मेरी।
और जो थर्ड स्टेप है वो मैं फिर से रोज वाटर को अपने फेस पे स्प्रे करूंगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन हाइड्रोजन परऑक्साइड को बर्दाश्त कर सकती है, तो आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप उसके भी ऐड कर देने। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने सिंपल इसी का स्प्रे करना है। चलें जी, मेरी स्किन केयर हो गई है और जो पीछे वो गंद पड़ा है ना, मैं वो समेटती हूँ, साथ ही करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नहीं आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे तो हमें याद रखना। बाय बाय।